हाँ जी चढ़ गई देख, चढ़ गई देख। कुल्हाड़ी मंगवाओ उससे, कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी ले आओ, चार चार टुकड़े हो जाएंगे अभी। और नैन्सी तुम्हारे ऐसे ही मजे आ रहे हैं, खूब छुट्टियां हो रही हैं, क्यों नहीं गई आज स्कूल? बोलो, मम्मी ने छुट्टी करा दी? मम्मी नहीं दे पापा। तो तुम्हारे आधे पागल को हैं। इनका इलाज क्या करें? दवा होती तो इलाज करवा। अगर इसका इलाज ही नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, चलता है, अब क्या करें? जब से दवाई डाली, हाँ, दवाई डलवाई थी, पूरी हरियाली सीजन के अंदर पूरी घास सूख जाती, सूख जाती है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, सारे पेड़ माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। और इधर से भी जब से वो हटवाया है ना सीमेंट, नहीं वो ये सामने वाले खत्म हो गए थे, खत्म हो गए थे ये सीमेंट की वजह से। पूरी सीमेंट थी, इसके अंदर सब खत्म हो गए। माशाल्लाह कितने अच्छे हो गए अब। धीरे 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 हो ही रहे हैं, इधर के तो हो गए, बस उधर के रह गए। हाँ, बीच वाला अगर ऐसा वो जान आ जाए उसमें, बीच वाला है? ये हाँ बीच वाला सूख रहा है ना। हाँ अब हो जाएगा वो। नमन से दो एक कटोरे मंगवा लेना, रेखा चार पांच लिया, नहीं बस वही। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज हम यहाँ वंडरलैंड पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम बना रहे हैं खोरमा, और जमात वालों का खाना जा रहा है जो कि इस्तेमा में आए हुए थे, तो इसलिए हमने उनके लिए यहाँ पर खोरमा बनाया है, और मतलब बना रहे हैं हम लोग, और रोटियाँ हम बनवा रहे हैं, और उसके बाद ये सारा खाना ईशा में जाएगा। और हम लोग यहाँ पर आना भी था, तो इसलिए हमने सोचा यहीं पर खोरमा बना लेते हैं, क्योंकि चूल्हे का लकड़ी का जो चूल्हा होता है उसका जो खाना होता है वो अलग ही मज़ेदार होता है बहुत ही। तो उसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि आज धूप बहुत अच्छी लग रही है, निकली हुई है धूप, और हवा भी चल रही है साथ साथ, तो ज़्यादा धूप में ज़्यादातर बैठा नहीं जा रहा, मतलब मौसम इस तरह का है कि धूप में नहीं बैठा जा रहा, थोड़ा साया में ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप इन प्लांट्स को देखें, कितनी मेहनत हुई है इनके साथ, इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से बेहतरीन लग रहा है। इनके कलर देखें आप, और इनकी रौनक देखें आप, कि ये कितने अच्छे से हो रहे हैं ना, वरना विंटर में तो जल जाते हैं सारे, ज़्यादातर पीले पत्ते हो जाते हैं, लेकिन हमने इनको इतने संभाल के रखा हुआ है, इनकी इतनी केयर हो रही है, सारी दवा वगैरह हर चीज़ टाइम पे, तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए हैं। और उसके साथ साथ ही गार्डन की रौनक भी बढ़ गई है। तो बस यहाँ देख सकते हैं आप कि ये चूल्हा बन गया है, और ये काफ़ी मेहनत से जल रहा है, और हम सब यहाँ पर लगे हुए हैं काम में अपने अपने, कि हम किस तरीके से कोरमा जल्दी से बना लें, मज़े का भी बना लें। तो बस प्याज डाल रही हूँ, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, और ये है कि हाँ मुझे चश्मा तो लग गया है, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ धुएं से बचने को लगाया हुआ है, तो धुआँ मेरी आँखों को बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, कम कम लगेगा। Thank you.
कल दुआ हो गई इस्तिमा की और आज है वेडनेसडे सॉरी ट्यूसडे। तो आज हम लोग यहाँ पर बस ये खाना बना के वापस जाएंगे क्योंकि आज हम काफ़ी दिनों में वंडर लेने आए हैं। इतने दिन से सब लोग इस्तिमा में बिज़ी थे तो हम लोग भी यहाँ नहीं आ पा रहे थे और मतलब शादियाँ भी बहुत ज़्यादा चल रही थी हमारी इधर साइड पर, तो कहीं पर मायनों थी और कहीं मेहंदी तो कहीं इन्हीं का, तो इस तरह से हमको भी टाइम नहीं मिल रहा था। दिन बहुत छोटे छोटे हैं और जिम से आके मूसा ट्यूशन जाता है, मूसा जब ट्यूशन से आता है तो फिर हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो हम यहाँ भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब ये है कि हाँ दुआ हो गई है, अभी कल से सब चीज़ें नॉर्मल रूटीन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है? कहाँ सुकून के पल, सुकून के पल उसका एहसास किया जा रहा है। ठंडी ठंडी घास, ठंडी हवा, बेहतरीन आसमान हो रहा है, धूप निकल रही है। मैं साया में लेटा हूँ क्योंकि साया में ज़रा ठंडक मज़ा ले रहा हूँ, ठंड का अच्छा लग रहा है। और पक क्या रहा है आज? आज पक रहा है कोरमा, दिल्ली से जमात आई है माशाल्लाह, वो जमात वालों की दावत है तो ये खाना जो है वही बन रहा है। बुरी तो बुरी है, मेरे तो डैडी अगर ही उड़ जाती ना एक एक रो दिया सबको भागना पड़ता। मिर्चों को कवर कर देते हैं अपन नमक से, नमक डाल दूं मसाले में, देखो फिर इसी में डाल दूं। इसमें मेरे हाथ पे भी डाल दो, जैसी मैं ब्राउन प्याज चाह रही थी ठीक वैसी ही हो गई है, क्रिस्पी हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैंने इसको बड़ी मेहनत से काटा है, मैं प्याज किसी से कटवाती भी नहीं हूँ और क्योंकि मुझे जिस तरह की ब्राउन प्याज चाहिए होती है क्रिस्पी हो, हाथ से क्रश हो जाए, तो वो उसके लिए मैं खुद बारीक प्याज काटती हूँ। तो इसको मैंने काटा और ये बहुत अच्छी हो गई। अभी हम इसे बड़े बर्तन में फैलाएंगे और फिर उसके बाद इसको थोड़ी सी हवा लगेगी ना तो फिर ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। इसको हाथों से क्रश कर सकते हैं और हाथों से ही क्रश करके मैं डालती हूँ कोरमे में और उसके साथ ही फिर कोरमे में दाना आता है, वरना फिर वो अगर हम उसको मिक्सर ग्राइंडर में चला देंगे ना तो फिर वो एकदम लेस वाली हो जाएगी और लेस वाली फिर वो मज़ेदार नहीं रहती। देख सकते हैं ये आग इतनी मज़े की लग रही है, इसके पास खड़ा होना भी मज़े का लग रहा है और अभी गर्मी होती है ना तो यही आग जहर लग रही होती है हमें, तो ये सब मौसम पे डिपेंड करता है वाकई।
खाना पहुंचा के हम लोगों को आना था एक शादी में, तो हम आ गए फोर सीजन लॉन और अब यहाँ पर हम ये एक वेडिंग अटेंड कर रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी था आना, वरना आज हम शायद नहीं आते, लेकिन हमें आना बहुत ज़रूरी था। तो गाइज़ हम लोग आ गए फोर सीजन लॉन और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी बेटी की शादी है और बहुत ही इंसिस किया था सबने, तो हमको आना ज़रूरी था। तो गाइज़ यहाँ बारात आ रही है और हम सब यहीं खड़े होकर बारात को देख रहे हैं। बारात आ गई है और ये देखिए हाँ माशाल्लाह से काफ़ी क्राउड है और काफ़ी मज़ेदार सी शादी है और अल्लाह पाक इस शादी में खूब खैर उबरकत दे और बहुत सारी खुशियों से नवाजे अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन को। आमीन।